हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जो कि है अथॉरिटीज फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स और ड्यूटीज ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स के बारे में। ठीक है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात करी थी वर्क कमिटीज की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क कमिटीज और ड्यूटीज ऑफ वर्क कमिटीज। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स, यानी कि तीनों ये जो टॉपिक्स हैं, ये हम क्लियर कर चुके हैं अंडर अथॉरिटीज प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अथॉरिटीज प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट। ओके, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट, जो कि है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। कॉन्सिलेशन ऑफिसर सेक्शन 4। ठीक है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अ कॉन्सिलेशन ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड फॉर द स्पेसिफाइड एरिया फॉर द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज इन अ स्पेशल स्पेसिफाइड एरिया फॉर वन और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज एंड आइदर परमानेंटली फॉर द लिमिटेड पीरियड। ठीक है, तो जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर है, इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उस इंडस्ट्री के लिए। ओके, फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। The appropriate government may appoint conciliation officer for promoting the settlement of industrial dispute okay? एंड अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया और इंडस्ट्री, किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए अपॉइंट किया गया है, किसी इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ड्यूटीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कौन क्या क्या ड्यूटीज होती है, ड्यूटीज ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर। सेक्शन 12 कवर करता है ड्यूटीज ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट ड्यूटी है, वेयर एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इज अपेयरेंट टू कम अप इन फ्यूचर, द कॉन्सिलेशन ऑफिसर मे वेयर द डिस्प्यूट रिलेट टू अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड द नोटिस अंडर द सेक्शन 22 हैज बीन गिवन बाय द वर्कर्स शैल होल्ड कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग इन द प्रिस्क्राइब मैनर्स। ठीक है, तो पहला जो पहली ड्यूटी है क्या है, अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी है, इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसके लिए क्या है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स को वहां पे प्रिस्क्राइब किया जाता है, एक तरीके से उनको जो अपॉइंट किया जाता है, तो वो उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका सेटलमेंट करते हैं, ताकि पब्लिक कोई भी नुकसान ना हो, पब्लिक यूटिलिटी जो है सर्विसेज है, इनका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहला मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम एग्जिस्ट टू सॉरी इन फ्यूचर एंड डिस्प्यूट रिलेट टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, तो वो क्या करता है उसका इन्वेस्टिगेशन। सेकंड है द कॉन्सुलेशन ऑफिसर शैल फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग फॉर पर्पस ऑफ bringing about settlement of dispute about settlement of dispute without delay, कोई डिले नहीं होना चाहिए टाइम पीरियड में। इन्वेस्टिगेशन द डिस्प्यूट एंड द मैटर अफेक्टिंग, इन्वेस्टिगेशन का काम, इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट। ठीक है, विदाउट डिले इन्वेस्टिगेशन डिस्प्यूट एंड द ऑल मैटर अफेक्टिंग द मेरिट्स एंड द एप्रोप्रिएट सेटलमेंट ऑफ देयर ऑफ। थर्ड है इफ अ सेटलमेंट इज डिस्प्यूट इज अराइव्ड इन द कोर्स ऑफ कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग द कॉन्सुलेशन ऑफिसर शैल सेंड अ रिपोर्ट देयर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ऑन ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टूगेदर विद मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट साइन बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ठीक है, अगर कोई हाई मतलब कि कोई डीप मैटर है तो गवर्नमेंट के को रिपोर्ट सेंड की जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जितनी भी रिपोर्टिंग है जो भी मैटर्स है वो कॉन्सुलेशन ऑफिसर्स के द्वारा एक तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रिपोर्टिंग का काम है, रिपोर्टिंग टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिस्प्यूट मैटर्स एंड इन्वेस्टिगेशन। फोर्थ यहां पे हम बात कर रहे हैं, इफ नो सच सेटलमेंट इज अराइव एट द कॉन्सुलेशन ऑफिसर शैल सेंड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अ फुल रिपोर्ट सेटिंग फोर्थ द स्टेप टेकन बाई हिम ब्रिंगिंग अबाउट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अलॉन्ग विद द फुल स्टेटमेंट इन सच फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज एंड द रीजन ऑन अकाउंट ऑन विच हिज ओपिनियन सेटलमेंट कुड नॉट बी अराइव एट। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है The appropriate government, ठीक है, if on consideration of above report the appropriate government is satisfied that there is a case of reference of the board labor court tribunal or national tribunal it may make such reference where the appropriate government does not make such a reference it shall record and communicate the parties concerned its reason thereof। ठीक है, consideration of officer report by appropriate government। ठीक है,
इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पावर ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर। पावर ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर। अ कॉन्सिलेशन ऑफिसर हैज द फॉलोइंग पावर्स। फर्स्ट वन इज पावर टू एंटर प्रेमिसेस। पावर टू एंटर प्रेमिसेस यानी कि वो किसी भी फैक्ट्री में जाके विजिट कर सकता है। ओके, अ कॉन्सिलेशन ऑफिसर फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी इन टू एनी एग्जिस्टिंग और इंडस्ट्री डिस्प्यूट कैन एंटर एनी प्रेमिसेस आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस। सेकेंड है पावर टू एनफोर्स अटेंडेंस। पावर टू एनफोर्स अटेंडेंस ही कैन एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग सच पर्सन। थर्ड है पावर टू कॉल एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। पावर टू कॉल फॉर एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। He can call for and inspect any document which is considered necessary for the purpose of verifying the implementation of any award and carrying out any other duty under the Act. और फोर्थ है पावर ऑफ सिविल कोड। पावर ऑफ अ सिविल कोड फॉर द अवर पर्पज ही शैल हैव द सेम पावर आर वेस्टेड इन द सिविल कोड फॉर द एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम फॉर द कंपेलिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिफ्थ नंबर है पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट ही इज डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो तो कॉन्सिलेशन है उस ऑफिसर है उसको हम एज अ पब्लिक सर्वेंट डीम करेंगे। ठीक है, तो ये थी पावर्स पब्लिक सर्वेंट की। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन को। Thank you very much.